अनिल शर्मा जुड़े फिर गदर मचाने। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल, रिव्यूअर आलोक और भाई का नाम भी आलोक है। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्म आ रही है सनी पाजी की, जिसमें कि दोस्तों बाप शामिल है, सफ़र शामिल है, SDGM शामिल है। उसके बाद दोस्तों जो तबाही होगी, जो सुनामी आएगी, वो सीधा सनी पाजी की तरफ से आएगी। यानी कि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर फाइनल तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों गदर 3 से शॉकिंग अपडेट लेकर आ चुका हूँ। जहाँ दोस्तों गदर 3 बॉक्स ऑफिस पर, उत्कर्ष शर्मा की ये फिल्म तो जादू बरसा ही गई थी, और बॉक्स ऑफिस पर अब गदर 3 का नाम सामने आ रही है फाइनल रूप से। जहाँ दोस्तों बता दें, गदर 3 चूंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी तली फिल्म एक बार फिर से आप लोग को सिस्टम फाड़ते हुए नजर आएगी ये फिल्म। और बॉक्स ऑफिस पर ये गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर गदर 3 में विलन जो होंगे वो नाना पाटेकर होंगे। जहाँ दोस्तों जैसा अपडेट आ रही है, जैसा खबर आ रही है, वो आ रही है 100% वाली, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर खबर आ रही है, शॉकिंग अपडेट आ रही है कि नाना पाटेकर साहब नजर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर गदर 3 का विलन। यानी कि दोस्तों ऐसा होता है तो दोस्तों तबाही ही तबाही होगी। नाना पाटेकर सर का फिल्म का बात करूं तो दोस्तों नाना पाटेकर का फिल्म अपकमिंग आने वाला है बनवास। उसके बाद दोस्तों गदर 3 में नाम जुड़ा है तो दोस्तों सिस्टम ही सिस्टम फटेगा बॉक्स ऑफिस पर। एक नया अंदाज, एक नया अंदाज, एक नया लुक सामने आएगा नाना पाटेकर साहब का। बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से तबाही होगी, क्योंकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर नाना पाटेकर साहब का विलन रूप देखने को मिलेगा। एक बढ़िया न्यूज है नाना पाटेकर साहब फैंस के लिए। बाकी दोस्तों गदर 3 से कुछ और अपडेट आती है, अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, वायरल न्यूज कुछ भी आती है, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों अगर जो आप इसी तरह अपडेट चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और रब दे सकते हैं भाई को सीधा इजाजत।